Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology, debunking mythology. Sathology means science or truth, the study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी से. आपको मालूम ही है, आपने स्क्रीन देख लिया होगा. उनसे हम लोग सेवा के बारे में बात करेंगे, किस तरह सेवा का क्या अर्थ होता है, स एव सेवा. और वो दार्शनिक भी हैं, सो विदाउट डिले लेट अस वेलकम प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज. नमस्ते. नमस्कार, नमस्ते। तो आजकल बहुत ज्यादा जो इश्यूज चल रहे हैं, आपको तो मालूम ही है कि जी। क्या चल रहा है अभी. तो आप इसको थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालिए कि व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ इन द सेवा सेवा और संघ के अब ऊपर. देखिए, सेवा का एक अर्थ होता है जो हिंदू अर्थ है, जो धर्म में होता है, उसमें सेवा की जो धातु है भज सेवायाम, यानी भगवान का भजन करना, उनका कीर्तन करना, उनके महत्व का वर्णन करना, इसको सेवा कहते हैं। उसी से एक सेवन भी बना है। सेवन का अर्थ होता है अपने भीतर आत्मसात करना। जैसे कहते हैं ना, आप औषधि सेवन कर लीजिए, भोजन का सेवन कर लीजिए, लक्ष्मी सेवन करती हैं उनका फल, इसका मतलब वो उसको आत्मसात करना, उनके भीतर आना। लेकिन एक सेवा क्रिश्चियन अर्थ में सर्विस का है, जिसका अर्थ होता है कि किसी को जाके उसके दुख दूर करना या उसके कष्ट हरना। इसको हमारे हिंदू धर्म में, शास्त्रों में, इसको पूर्त कर्म कहते हैं। तो ये हमारा शब्द नहीं है, क्योंकि उसमें जो सेवा है उसमें परायेपन का भाव होता है। जो क्रिश्चियन सर्विस है उसमें ये है कि दे आर अदर, है ना, और अदर्स आर हेल्प, लेकिन हमको उनकी सेवा करके चर्च को प्रसन्न करना है। तो अदरनेस का भाव जब होता है कि वो दूसरे हैं, तब सेवा कहा जाता है। ये जो भारतीय अर्थ में अधर्म क्षेत्रों में जो सेवा है उससे बिल्कुल अलग शब्द है, और दोनों में भ्रम नहीं पालना चाहिए। सेवा यानी भजन कीर्तन, भगवान का गुणानुवाद और गुण का प्रसार, वो एक अलग अर्थ है। वो शुद्ध भारतीय पदावली है, उसका आजकल भारत में राजनीति और सार्वजनिक जीवन में प्रयोग नहीं होता। एक सर्विस के अर्थ में सेवा है, जैसे कि राजनेताओं को जनसेवक कहते हैं, लोक सेवक कहते हैं, और कोई बाढ़ आई, विपदा आई, कुछ दुख हो गया तो जाके वहां उसकी मदद की, उसे जो सेवा कहते हैं वो क्रिश्चियन सर्विस है। क्योंकि हमारे यहाँ इसको सेवा नहीं कहते हैं, इसको पूर्त कर्म कहते हैं। या तो कोई अभाव है उसकी पूर्ति कर दी। धर्मशास्त्र में दो शब्द हैं, इष्ट कर्म और पूर्त कर्म। इष्ट कर्म वो है जो हर एक को करना ही चाहिए, जैसे सुबह पूजा पाठ करना, भगवान का गुण कीर्तन करना, ध्यान लगाना, चंदन लगाना, तिलक लगाना, अतिथि का सत्कार करना, पंच बलिदेव बलिवैष्णो देव की पूरी विधि करना, और सुंदर व्यवहार करना, अपने परिवार का भरण पोषण करना, समाज में सदाचार फैलाना, ये सब इष्ट कर्म है ना, यज्ञ करना कराना। और कोई दुख आ जाए तो वो पूर्त कर्म। पूर्त कर्म शब्द इसलिए है कि वहाँ आत्मीयता है, कि समाज में सब एक हैं। तो मान लो कोई बाढ़ में आ गया तो अपना ही आदमी है, तो हम जाके उसका दूर कर देते हैं उसका कष्ट। कोई विपदा आ गई, कोई बीमार हो गया, तो वो हमारा ही है, हमारे परिवार का सदस्य जैसा ही है, हिंदू परिवार का, तो हम जाके उसको उसका कष्ट दूर कर देते हैं। तो पूर्त कर्म भारतीय शब्द है। ये क्रिश्चियन अर्थ में सेवा का प्रयोग करना अन्यथा अन्य भाव है, कि वो कोई अन्य है, दे आर अदर, है ना, और हम कोई एक अलग ग्रुप है, संगठन है। अब संघ का प्रारंभ इस बात से हुआ था कि हिंदू समाज से एकाकार होगा, और हिंदू समाज में जो कमी होगी उसे दूर करने दान देगा। जो कमी कमी तो बहुत सी होती है कि हर समाज में, हर व्यक्ति में, स्वयं संघ के भीतर भी, हर संगठन के भीतर भी कमी आती है। लेकिन एक कमी उनको लगी कि भाई इनमें आत्मीय संगठन, आत्मीयता से भरा अपनत्व नहीं है, उसे दूर करेंगे। उसी को उन्होंने संगठन भी कह दिया कई बार। हालांकि संगठन तो हिंदू समाज विश्व का सबसे संगठित समाज है, जाति है, कुल है, आप है, संप्रदाय है, विद्या है, गुरुकुल है, ये सब इसके संगठन है, राज्य है, मठ है, मंदिर है, ये सब इसके संगठन की इकाइयां हैं। लेकिन उन्होंने कह दिया कि ये आपस में शत्रु के विरुद्ध मिलजुल के नहीं लड़ते। तो इसके लिए आरएसएस की स्थापना डॉक्टर हेडगेवार ने की, कि धर्म के विरोधी, धर्म विरोधी शक्तियों के विरुद्ध एकजुट होना। संघ की स्थापना क्यों हुई थी? धर्म विरोधी शक्तियों के विरोध में एकजुट होना।
तो इसका प्रयोजन क्या था? इसका प्रयोजन था शौर्य का जागरण, तेजस्विता का जागरण। तो संघ का उद्देश्य था शौर्य जागरण, तेजस्विता जागरण और ज्ञान का प्रसार। लेकिन कुछ ऐसा हो गया है कि पिछले कई वर्षों से संघ के लोग जो बताते हैं कि हमने ये सेवा की वो सेवा की, वो क्रिश्चियन मिशनरीज की नकल है। जैसे वो बताते हैं कि हमने इतने बूढ़ों को, बीमार को ठीक किया, लंगड़ों को ठीक किया, काने को ठीक किया, बहरे को ठीक किया, अंधे को शुद्ध किया, विकलांग को ठीक किया, इसको सर्विस बताते हैं, क्योंकि उनमें सेंस ऑफ अदरनेस है, अन्य का भाव है। वो ये नहीं समझते कि वो हम ही हैं, आत्मीयता नहीं है। हम जाके हमने भारत में जीसस का प्रकाश फैलाया, हमने ऑस्ट्रेलिया में फैलाया, हमने अफ्रीका में फैलाया, हमने यूएसए में फैलाया, मतलब अदरनेस की फीलिंग है। ये नहीं समझते कि जैसे हम हैं वही वो हैं, वो भी मनुष्य हैं, उनके भीतर भी ईश्वर का प्रकाश है, आत्मा है, चेतना है। वननेस की फीलिंग नहीं है, अदरनेस। और संघ में इधर कई वर्षों से अदरनेस की फीलिंग बढ़ गई है। हमने ये हमने बाढ़ में सेवा कार्य किया, हमने रेल दुर्घटना में सेवा कार्य किया। अरे तो सेवा कार्य की तो कम से कम 1 लाख एजेंसी भारत में पहले से कार्य कर रही है ना। तो संघ का विशेष क्या है कि साहब वो निस्वार्थ सेवा करते हैं, तनख्वाह नहीं लेते, पैसा नहीं लेते, लेकिन सेवा आपका कार्य है क्या भाई? दूसरा पैसा लेता है, ठीक है, आप पैसा नहीं लेते, ठीक है, लेकिन सेवा तो किसी संगठन का कार्य होना ही नहीं चाहिए। तो क्रिश्चियन मिशनरीज का है, पूर्त कर्म करना चाहिए। और दूसरा, पूर्त कर्म पहले से भारतीय परंपरा है, तो संघ का निर्माण क्यों हुआ था? इसी काम के लिए हुआ था क्या कि बाढ़ को और महामारी को और सूखा में मदद के लिए पहुंचेंगे? वहां तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी आती हैं, हजारों संस्थाएं आती हैं, लाखों एनजीओ हैं भारत में, उनमें से एक आरएसएस भी है। अगर ऐसा हुआ तो आरएसएस की क्या विशेषता रही? आरएसएस की विशेषता थी हिंदुओं में शौर्य का जागरण, वीरता के भाव का और आत्मीयता के भाव का जागरण। तो जब आप उसको सेवा कार्य कहते हैं तो वो आत्मीयता का अभाव दिखाता है आप में, मतलब भाषा भूल गए हैं। क्योंकि एजुकेशन और मीडिया, शिक्षा और संचार माध्यम में लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट प्रभाव रहा है। जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी तो पूरी तरह सोवियत यूनियन की ही एक सदस्य सी हो गई, एजेंट सी हो गई। तो कम्युनिस्टों का भारत में शिक्षा में और सब जगह वर्चस्व हो गया। तो जो टर्मिनोलॉजी है, जो पदावली है, जो भाषा है, वो कम्युनिस्ट हो गई और क्रिश्चियन हो गई। तो ये क्रिश्चियन मिशनरीज का भाव देखिए। कांग्रेस के 3 फेजेस, कांग्रेस का पहला फेज है डेमोक्रेटिक थे जवाहरलाल नेहरू, भले उनमें थोड़ा झुकाव था लेकिन लोकतांत्रिक थे। तो उनके समय जैसी कांग्रेस थी, भाजपा अब वैसी ही हो गई। 1964 तक जैसी कांग्रेस थी, वर्तमान भाजपा वैसी ही है। इसके बाद एक फेज आया सोवियत संघ से इंदिरा गांधी मिली, तो वो पूरी तरह सोवियत संघ और कम्युनिस्टों के प्रसार के लिए समर्पित हो गई, तो वो उनकी कठपुतली हो गई। तो वो दूसरा फेज, पहले कांग्रेस डेमोक्रेटिक थी फिर कम्युनिस्ट हुई। इसके बाद सोनिया गांधी और राहुल के आने के बाद कांग्रेस क्रिश्चियन एजेंट हो गई, चर्च का एजेंट हो गई। तो ये कांग्रेस के 3 भाव। लेकिन संघ का क्या करें, संघ भी क्रिश्चियन हो रहा है भाषा से, तो भाषा क्यों क्रिश्चियन की अपनाते हैं? जब आप भाव से क्रिश्चियन नहीं है तो भाषा क्यों क्रिश्चियन अपनाते हैं? एक दूसरा, जो आपको हम लोग अपन जो चर्चा कर रहे हैं, मैं एक बात की ओर सत्तोलॉजी के सभी दर्शकों का, श्रोताओं का ध्यान खींचूंगा कि संघ सदा कहता है कि हम व्यक्ति निर्माण करते हैं, राष्ट्र निर्माण करते हैं, लोगों में राष्ट्र भावना जगाते हैं। और जो हिंदू समाज का सबसे बड़ा शत्रु पिछले 150 वर्षों में है वो क्रिश्चियन चर्च है। हिंदुओं का सबसे ज्यादा नुकसान जगह जगह किसी ने किया है तो क्रिश्चियन चर्च ने किया है। नागालैंड में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, सब जगह चर्च ने देशद्रोह को फैलाया है। इस्लाम ने उससे पहले से बहुत नुकसान किया था हिंदू धर्म का, टेररिज्म ने, है ना। तो रिलीजियस मजहबी आतंकवाद ने हिंदुओं का 700 वर्षों तक बहुत हिंदुओं पर अत्याचार किया, या उनसे टकराव किया, या उनके साथ अन्याय किया, मार भी खाई, पिटा भी बहुत, लेकिन लगातार वो लड़ता रहा। इसके बाद 150 वर्षों से क्रिश्चियन चर्च हिंदू धर्म के नाश के लिए बहुत ही बारीकी से काम कर रहा है। और आश्चर्य की बात है कि पोप को अटल बिहारी वाजपेयी ने बुलाया, गले लगाया, मतलब हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, जबकि पोप ने आते से ही धरती को कहा, छू के कहा कि ये सारी धरती का हम क्रिश्चियनाइजेशन करेंगे, इवेंजलाइजेशन करेंगे, यानी भारत को क्रिश्चियन नेशन बनाने का पब्लिक अनाउंसमेंट पोप ने किया। और उनको बुलाया किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने।
और अब नरेंद्र मोदी गए हैं तो वो ऐसे गले लग रहे हैं जैसे वो उनके ताऊ हैं, चाचा हैं, गुरु हैं। क्या है भाई तुम्हारे, तुम्हारे कौन है पोप, तुम्हारा कौन है? तुम कभी शंकराचार्यों को तुमने इतने सम्मान से किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में क्यों नहीं नहीं बुलाया? बुलाया, जो नहीं भारत बुलाया। में अंतर, भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है तो आप शंकराचार्य को क्यों नहीं बुलाते? शंकराचार्य तेजस्वी हैं, धर्मनिष्ठ हैं, सदाचारी हैं। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, किसी को भी क्यों नहीं बुलाते? अरे आचार्यों को बुलाया करिए। तो ये क्या चल रहा है कि चर्च का एजेंट बनता दिख रहा है? संघ है नहीं, लेकिन उसकी समस्या क्या है? अगर वो लोग इसको बहुत बड़ी डिप्लोमेसी मानते हैं तो मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि मेरी आयु बहुत है। नहीं हिंदू रामेश्वर समाज जी, बहुत बड़ा है, रामेश्वर 100 करोड़ का है। रामेश्वर जी, आप हमसे ज़्यादा यंग हैं, आप हमसे ज़्यादा यंग हैं। जितना एनर्जी से आप बताते हैं ना, वो उतना कोई ठीक भी है, नहीं बता सकता। लेकिन मैं अपने अनुभव बता रहा हूं कि जवाहरलाल नेहरू के समय भी हिंदुओं का, देखिए हिंदू बहुत बड़ा समाज है, 100 करोड़ का उस, लेकिन जो हिंदुओं में पावरफुल हुए हैं अंग्रेजों के बाद से, ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद से, वो हिंदुओं का एक सेक्शन है जिसमें थोड़े हिंदू संस्कार हैं, उसको थोड़ा हिंदू तो पसंद आता है, अभिनंदन प्रणाम पूजा पाठ, लेकिन बाकी उसको यूरोप और क्रिश्चियनिटी ही ज्यादा पसंद आती है, जिसे मैं यूरो इंडियन कहता हूँ। तो हिंदुओं का यूरो इंडियन क्लास बहुत पावरफुल है। वो यूरो इंडियन क्या करता है, स्टेट से स्टेट उसको पेट्रनाइज करता रहा है अभी तक। नेहरू ने पेट्रनाइज किया, तो ये लोग नेहरू को भी, नेहरू को कहते थे वो ब्राह्मण है, जानते नहीं हो, भले वो कम्युनिज्म की बात करता है लेकिन वो अंत में हिंदू समाज का भला करेगा, और भले वो यूरोप का दोस्त है, समझते नहीं हो, बड़ा होशियार पंडित है, ब्राह्मण है, वो अंत में हिंदुत्व लाएगा, और देखते देखते वो कुछ नहीं लाए, चले गए। इसके बाद अटल जी को कहते रहे और अटल जी को प्रणाम करते रहे। अब ये नरेंद्र मोदी के प्रति हिंदुओं ने आशा बांध ली है, और स्वाभाविक है, राजा तो अभी अभी तक, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं वो तो हिंदुत्व के घोर विरोधी हैं, शत्रु हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि राजा का कोई कर्तव्य, कोई एक ग्रेटफुलनेस, कोई कृतज्ञता भी होती है। हिंदुओं ने ही मोदी जी को सत्ता दी है, हिंदुत्व की प्रचंड भावना रखने वाले धर्मनिष्ठ सदाचारी हिंदुओं ने नरेंद्र मोदी को सत्ता दी है। इस बार अगर नहीं दिए हैं तो धर्मनिष्ठ हिंदू अपने कर्तव्य से नहीं चूके हैं। क्या है कि आज तक कभी भी, एक बार को छोड़ के, आज तक किसी भी चुनाव में 77 वर्षों में 50% से ज्यादा वोट किसी एक पार्टी को नहीं मिले, आज तक, एक बार का छोड़ के। तो 50% सदा विरोधी रहे हैं, पहले कांग्रेस के, अब भाजपा के, तो हर बार वो 50% अलग अलग पार्टी बना के लड़ते थे। इस बार पहली बार इतिहास में उन्होंने स्ट्रेटेजिक लड़ाई की है, पहली बार उत्तर प्रदेश में सपा ने अपने वोट कांग्रेस को दिए हैं और कांग्रेस ने सपा को, इसलिए वो जीत गए, बहुत छोटी बात है। लेकिन कुल मिलाकर तो मोदी जी ही जीते हैं, और कुल मिलाकर तो धर्मनिष्ठ हिंदू ही जीते हैं, तो विजय तो धर्मनिष्ठ हिंदुत्व की हुई है। मोदी जी को उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, और धर्मनिष्ठ हिंदुओं का सबसे बड़ा शत्रु पोप है, सबसे बड़ा शत्रु चर्च है। और भाई आपको कोई इंटरनेशनल मजबूरी है तो आप साथ हिला देते, ऐसे कुछ कर देते, ये क्या है? आप तो ऐसे मिल रहे हैं जैसे वो आपके पितामह हैं, पितामह भीष्म हैं, क्या हैं? पोप को आप क्या मानते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? और मान लो आपने शिष्टाचार में उनको बुला लिया तो आप ट्वीट कर रहे हैं, पब्लिक में दिखा रहे हैं कि मैंने पोप से मिलकर मैं बहुत खुश हुआ, और वो जो गरीबों के लिए कर रहे हैं, अरे बाप रे, चर्च का गरीबी से क्या संबंध? चर्च तो गरीबों को एक्सप्लॉइट करता है, मरते हुए गरीब को भी कहता है कि बपतिस्मा कर लो, तुम क्रिश्चियन बन जाओ, क्योंकि जब तक कोई क्रिश्चियन नहीं बने उनको शांति ही नहीं मिलती। इसका मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करने की पैशाचिक पिपासा चर्च में, सब जगह मेरा हाथ, तब तुम मेरे बन जाओ तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसको तो स्वार्थ कहते हैं। किसी को क्रिश्चियन बनाकर फिर उसकी मदद करना बहुत ही गंदा स्वार्थ है, बहुत ही तुच्छ स्वार्थ है, बहुत ही क्षुद्र स्वार्थ है। मदद करनी है तो वो हिंदू है, हिंदू ही रहने तो, और उसकी मदद करो। तो ऐसे को आप इतना मानवतावादी बता रहे हैं और कह रहे हैं जैसे वो आपके ताऊ जी हैं, उनको बुला रहे हैं आइए भारत, और फिर आप ट्वीट कर रहे हैं कि मैंने उनको निमंत्रित किया है। तो आप हिंदुओं को चिढ़ाना चाहते हैं या आप सचमुच कुछ इन विषयों का अर्थ ही नहीं जानते, ये समझना चाहिए। और संघ को ये बताना चाहिए, अब 100 वर्ष होने जा रहे हैं,
कि उन्होंने अपने संगठनों में हिंदुत्व के कौन से गुण भरे हैं। सेवा तो दिखता है, निश्चल सेवा, निशुल्क सेवा, लेकिन सेवा तो क्रिश्चियन गुण है। वो सेवा तो नहीं करते, वो जो हिंदू हिंदू सेवा में होता है भजन कीर्तन भगवान का गुणानुवाद, वो तो संघ कभी नहीं करता दिखता, तो वो क्रिश्चियन सर्विस करता है। तो क्रिश्चियन सर्विस तो चर्च के विस्तार के लिए होती है, तो क्या संघ अपने का एक चर्च बनाना चाहता है, क्या सर्विस करता है। और वो तो कहता था कि हम राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, तो कौन से गुण उन्होंने विकसित किए हैं। नरेंद्र मोदी जी में संघ के कारण कौन सा ऐसा गुण आया है, वो कहाँ है। ना तो वो हिंदुत्व की बात किया उन्होंने, 10 वर्ष में एक बार भी खुलकर हिंदुत्व की बात नहीं की। क्या प्रॉब्लम है, अगर भारत जैसे देश में मुस्लिम लीडरशिप इस्लाम की बात कर सकती है खुल के गर्व से, और क्रिश्चियंस क्रिश्चियनिटी की बात गर्व से करते हैं, तो ये जो भाजपा के नेता हैं जो धर्मनिष्ठ हिंदुओं के समर्थन से सत्ता में आए हैं, इनको हिंदुत्व की बात करने में किसका डर है। कांग्रेस ने इनका दमन किया था तब डर गए, तो क्या अभी भी ये कांग्रेस से डरते हैं। संघ को हिंदुत्व की बात करने में किसका डर है, शौर्य की बात करने में, तेजस्विता की बात करने में, राष्ट्रभक्ति की बात करने में किसका डर है। ये राष्ट्रवाद जो नेशनलिज्म का ट्रांसलेशन है उसकी बात भाजपा करती है, संघ तो नहीं करता, संघ तो राष्ट्रीयता की बात करता है। लेकिन राष्ट्रभक्ति क्यों नहीं कहते, ये समस्या क्या है। अगर आप भारत माता आपकी आराध्या है तो माता की भक्ति होती है। संघ आजकल राष्ट्रभक्ति शब्द का कोई प्रयोग नहीं करता, राष्ट्रीयता राष्ट्रीयता रहता है। भक्ति से, भगवान की भक्ति से, भारत माता उसकी सार्वजनिक घोषणा से संघ को क्या डर है, एक पहला प्रश्न ये है। और दूसरा ये है कि संघ के प्रतिनिधि जब शासन में जाते हैं तो वो या तो धर्म त्याग देते हैं या कायर होते हैं, हमें पता नहीं, संघ ही इसको बताए। लेकिन संघ को ये बताना चाहिए कि अपने प्रमुख स्वयं सेवकों में वो कौन सा गुण भरते हैं, वो गुण समाज में दिखने चाहिए ना। जैसे मोदी जी से बढ़िया स्वयं सेवक कोई नहीं है, तभी आपने उनको प्रधानमंत्री बनाया, उनमें वो तो राष्ट्रभक्ति शब्द बोलते ही नहीं, और वो तो पोप को गले लगाते हैं जो हिंदुओं का सबसे बड़ा शत्रु है। इसमें कौन सी डिप्लोमेसी है, क्या सारे जो यूरोप के राजपुरुष आए थे सबने पोप को गले लगाया था क्या, सारे सारे राजपुरुषों ने तो गले नहीं लगाया था, तो मोदी जी को कहाँ से गले। मोदी जी सबसे ज्यादा सगे हैं क्या पोप के, बहुत सारे राजपुरुष पोप से मिले यूरोप के, सबने गले लगाया था क्या, आप तो देख रहे थे पूरी गतिविधि, इन्हें सबने लगा गले नहीं लगाया था, नहीं। है ना। तो ये मोदी जी सबसे सगे हैं क्या, क्या मोदी जी सबसे ज्यादा लॉयल हैं चर्च, सबसे ज्यादा वफादार हैं, निष्ठावान है, क्या हैं, फेथफुल हैं। इज नरेंद्र मोदी मोस्ट फेथफुल टुवर्ड्स द चर्च, सबसे ज्यादा फेथफुल मोदी जी हैं क्या, क्या बात थी। तो इसका जवाब संघ को देना पड़ेगा, मोदी जी के देने से नहीं चलेगा, कि आप अपने स्वयं सेवकों को कौन सा हिंदुत्व सिखाते हैं कि हिंदुत्व के सबसे बड़े शत्रु को वो गले लगाता है, और राष्ट्रभक्ति की कभी बात नहीं करता, और हिंदुत्व की कभी बात नहीं करता, और भारत माता की भक्ति नहीं बोलता, आजकल राष्ट्रवाद बोलता है भाजपाई। राष्ट्रवाद तो नेशनलिज्म का ट्रांसलेशन है, और राष्ट्रवाद तो यूरोप में गंदी चीज माना जाता है, तो आप राष्ट्रवाद क्यों बोलते हैं, नेशनलिज्म क्यों बोलते हैं, राष्ट्रभक्ति क्यों नहीं बोलते, और भगवान की भक्ति की बात क्यों नहीं करते। तो इनका क्या चक्कर है, कौन सा गुण संघ सिखाता है, सेवा सिखाता है कि शौर्य सिखाता है कि भक्ति सिखाता है, ये सामने आना चाहिए। जी एक यक्ष यक्ष और जब युधिष्ठिर का संवाद होता है, उसके बाद बोलते हैं कि तुम अपने सामने हमेशा पुरोहित को लेके चलना, बोलते हैं युधिष्ठिर को। यक्ष तो धर्मराज ही थे, हाँ हाँ और तो दौम्य ऋषि हमेशा युधिष्ठिर महाराज के आगे चलते थे, हमेशा कहीं भी गए वो। जी हाँ 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 और दौम्य ऋषि तो ये तो भारत का एक एक धार्मिक, क्योंकि देखिए हमारी अपेक्षा ज्यादा है नरेंद्र मोदी जी से, बाकी लोगों से हमारी अपेक्षा कम है। तुम हाँ ये सब नहीं बता नहीं दो, बाकी तो देश के लिए खतरनाक हैं, बाकी खतरनाक किसी से अपेक्षा का तो सवाल ही नहीं है, वो तो देश के लिए खतरनाक है, तो लेकिन जो अपने भी, आदमी से हम प्रश्न तो पूछेंगे। हाँ जो भी मोदी जी के फॉलोअर्स हैं और सबके में, हम लोग ये बोला, हम लोग उनके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हम एक धार्मिक प्रश्न रख रहे हैं आप सबके सामने कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर आप पोप तो एक व्यक्ति है जिसने पूरी दुनिया का नाश किया है, वो पोजीशन ऐसी है, चाहे हाँ ये पोप ना हो, ये पोजीशन ऐसी है, पेपल बुल 1492, नोबडी शुड फॉरगेट दैट, क्योंकि पेपल बुल 1492 का जो था
उसके आधार पे साउथ अमेरिका कॉलोनाइजेशन हुआ, उसके आधार पे भारत का कॉलोनाइजेशन हुआ, और उसी को चर्च ऑफ इंग्लैंड ने कैरी किया, चर्च ऑफ इंग्लैंड ने भारत का कॉलोनाइजेशन किया। इतना सब दुनिया ने झेला है इस पोप पोजीशन के चक्कर में, जो कि रोमन के एम्पायर ही है, सेम रोमन एम्पायर है पुराना वाला, यवनों का एम्पायर, यवनों के राजा है ये राजा ही है, वो राजा ही है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, राजा है वो। तो वो चोंगा पहना हुआ है सफेद रंग का, लेकिन वो है राजा, और वो उसके उसके नाम पर कितनी गवर्नमेंट चलती है, पूरा साउथ अमेरिका चलता है, पूरा ये, मैं ये मान सकता हूँ सामरिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है, मान सकता हूँ मैं, लेकिन उसको हम हिंदू देखते हैं कि ये दुश्मनों के क्या, ये दुश्मनों का ये गुरु है ये। तो ये इस व्यक्ति ने हमारे संस्कृति के पीछे पड़ा हुआ है तरह तरह के षड्यंत्रों के द्वारा। सारा कम्युनिज्म मूवमेंट जो भारत में चलता है वो पोप के सानिध्य में ही चलता है, और मदर टेरेसा की स्टोरी तो बिल्कुल सभी को मालूम बिल्कुल है। तो ये इतना सब जानते हुए भी, और मुझे मालूम है कि लोगों को ज्यादा जानो होगा कि सामरिक दृष्टि से भी एक गलत चिन्ह है, आप दूसरों को इम्प्रेस नहीं कर रहे हैं, आपको भारत की जनता को इम्प्रेस करना है। भारत की जनता ने पोजीशन दी है, भारत दूसरों की जनता ने नहीं दी है। और इस पोप का स्वागत अमेरिका में भी नहीं होता, बहुत ही कम प्रेसिडेंट करते हैं। एक बार कोई जाके मिल लिया इससे जाके, तो कितना बबाल मच जाता है यहाँ पर भी चर्च में। तो पॉइंट ये है कि हिंदुओं के हित की, हिंदुओं का हित अगर आपको देखना है तो भारत के हमारे जो धर्म गुरु हैं उन्हीं को बढ़ाना पड़ेगा आगे। तो किसी ना किसी को, अगर आप पोप से मिल रहे हैं तो ये जरूरी है कि, मैं राय नहीं दे रहा हूँ किसी को, ये मेरा सर व्यू पॉइंट है, आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनी सजेशन टू एनी वन और एनी ज्ञान टू एनी वन, लेकिन मेरा व्यू पॉइंट है ये कि अगर हम किसी पोप जैसे व्यक्ति से मिल रहे हैं तो सामने हमारे शंकराचार्य भी खड़े होने चाहिए, कि वहां पे शंकराचार्य और क्या, में हो, ताकि पोप की बात पुरोहित को को आगे शंकराचार्य रखना सुन, चाहिए। कोई पुरोहित हो आगे, कोई कोई भी हाँ, धर्म ये का तो गुरु हो। अभी अभी तो लग रहा है कि मोदी जी के पुरोहित, मोदी जी के धोब में वही है पोप। मोदी जी पोप से ऐसे मिल रहे हैं जैसे युधिष्ठिर धोबी से मिलते थे। तो ये पुरोहित है क्या इनका? पोप मोदी जी का पुरोहित है क्या, ये बताना चाहिए। नहीं, इससे तो बहुत ही लोगों के मन में एक शंका भी उत्पन्न होगी कि किसको वोट दिया है, ये तो नेचुरली उठेगा लोगों के, ये तो सेल्फ गोल हो गया एक तरीके से, पैर के ऊपर ही मार दिया। और चाहे लोग, नहीं नहीं शंका किसी नहीं 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 शंका किसी को नहीं उठेगी। हिंदू समाज मोस्ट मैच्योर सोसाइटी है, परिपक्व समाज है। हिंदू समाज जानता है कि ये, लेकिन उनको खींच पैदा होगी। तो तुम अपनी प्रजा में खींच क्यों पैदा करते हो भाई, इरिटेशन क्यों पैदा करते हो? शंका तो किसी को नहीं होगी। सबको पता है कि सारे ही विरोधी दल हिंदू द्रोही हैं। अगर थोड़ा सा हिंदुत्व के लिए सॉफ्ट है तो वो भाजपा ही है। और मोदी जी के बारे में ये शंका नहीं होगी, वो तो हम व्यंग में कस रहे हैं। लेकिन इरिटेशन होता है ना, हमारा आदमी हमारे प्रति कृतज्ञ नहीं है, वो पोप के प्रति ग्रेटफुलनेस दिखा रहा है। पोप ने आपका क्या उपकार किया है? आपका जो उपकार किया है भारत की जनता ने किया है। तो ये वैसे भी कृतज्ञता एक गुण होना चाहिए राजपुरुषों में। मोदी जी में हिंदू समाज के प्रति कृतज्ञता ही नहीं, कभी कोई कृतज्ञता नहीं व्यक्त करते। कहीं मुसलमानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, कहीं ईसाइयों के प्रति। तो आपको पोप के प्रति ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए, अपनी प्रजा के प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए, भारत के नागरिकों के प्रति ग्रेटफुलनेस होना चाहिए। मोदी जी में हिंदुओं के प्रति ग्रेटफुलनेस नहीं दिखती, इससे इरिटेशन होता है। लेकिन हिंदू बहुत मैच्योर सोसाइटी है, सपोर्ट हम मोदी को ही करेंगे आगे भी जब तक भी। लेकिन इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है, बुरा लगता है। अच्छा, आप मुझे फिर ये बताइए कि अगर अगर कोई नया व्यक्ति कोई देख रहा है, कोई नया बालक देख रहा है, 18 ईयर ओल्ड, 18 साल का कोई व्यक्ति देख रहा है, उसके माता पिता बात कर रहे हैं हिंदुत्व की, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, अब उनका जो माता पिता जिसको सपोर्ट करते हैं वो जाके पोप को गले लगाता है, तब वो बालक के मन में क्या इमेज होगी फिर? बहुत उसको उसको लगेगा कि क्या सच है, सच क्या है। और वो माता पिता से पूछेगा कि आप तो हम लोग पोप के, पोप हमारा आदमी है क्या? यही एग्जैक्टली इरिटेशन है। भारत के नागरिकों को इरिटेट कर रहे हैं मोदी जी, भारत के नहीं, नागरिकों को उत्तेजित कर रहे हैं मोदी जी, क्रुद्ध ये तो कंफ्यूजन। कर रहे हैं। देखिए, ये हम लोग हाँ, बड़े बड़े क्षुब्ध कर हिंदी, रहे हैं। हम लोग बड़े बड़े हिंदी के शब्द बोल रहे हैं, लेकिन जो इमेज गई हाँ, वो बहुत खतरनाक इमेज है। अभी मुझे अपने नहीं बहुत कंफ्यूजन होगा, बहुत कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन होगा, बहुत कंफ्यूजन होगा, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन
कि आप इतने बड़े बड़े संघ के कार्यकर्ता हैं, सो कॉल्ड आप वॉलंटियर हैं संघ में, और आपका जो लीडर है जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, इतना कैंपेन किया, वो जाके उसी को गले लगाए जिसके बारे में आप बता रहे थे कि कन्वर्जन करता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, वो बच्चा जबरदस्त, बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। तो फिर वो बच्चा आगे जाके कैसे सपोर्ट करेगा कि भाई बोलते कुछ और है करते कुछ और है। नहीं, वो भी वही हो जाएगा, बच्चा सोचेगा अच्छा यही दोगलापन करना चाहिए। तो आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? दोगलापन, दोहरापन, है ना, दो तरह की बातें। बच्चे को आप कुसंस्कार दे रहे हैं दोगलेपन का, कि बात हिंदुत्व की करो और मौके पर गले लगो, ओके, और शंकराचार्य के को प्रणाम नहीं करो। तो आप क्या बता रहे हैं? आप बच्चों में अनैतिकता, छल और दोगलापन भर रहे हैं। बिल्कुल बच्चे बिल्कुल को चालाकी सिखा रहे हैं, सद्गुण नहीं सिखा रहे हैं। बिल्कुल ये ऐसा एक्चुअली ही है जैसे कुछ लोग चोरी करते हैं, फिर कहते हैं भगवान कृष्ण भी चोर थे। ये उस तरह की बात हुई। आप भगवान कृष्ण से चोरी सिखा रहे हैं कि वो माखन चोर थे? आप जो है छल और चालाकी को हिंदुत्व बता रहे हैं, ये उस तरह की बात हुई। बच्चा सोचेगा अच्छा बोला ऐसे जाता है, किया वैसे जाता है। तो बच्चे को आप दोगला बना रहे हैं। एक्चुअली यही प्रॉब्लम है। मैं इसी के लिए बोल रहा हूँ कि जब जब आप किसी अच्छी पोजीशन पे हो या आपके पास कोई रेस्पॉन्सिबल पोजीशन हो, उस समय ऐसे उदाहरण स्थापित करिए ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। ये साधारण सा न्याय नीति का विषय है कि आप ऐसा बिहेवियर रखिए या ऐसा आप आचरण रखिए कि कोई कन्फ्यूज ना हो, यंग जनरेशन स्पेशली कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि यंग जनरेशन इज हमारा फ्यूचर है। तो आप सिर्फ अपने बारे में हम लोग ना सोचें, और ये ना सोचे कि आज हमने किया तो क्या भयंकर स्ट्रेटेजिक मूव किया हमने, लेकिन ये सोचें कि अगले 100 साल में वो बच्चा क्या देखेगा आगे जाके, ये देखना है। क्योंकि जो हमारे सामने और उदाहरण है, इसमें मैं स्ट्रेटेजिक भी जी जी बोलिए। आप बोल रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू करिए आप। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ इसमें स्ट्रेटेजिक भी कोई खास नहीं है। चर्च हाँ हमारा शत्रु है हिंदुत्व का, इसमें कोई खास स्ट्रेटेजिक नहीं। आप ट्रंप से मिलिए ना, आप जो बिडेन से मिलिए, वो स्ट्रेटेजिक है। आप इटली की वो कौन सी महिला है उससे मिलिए प्रेम से, वो स्ट्रेटेजिक है। आप पुतिन से मिलिए, और वाजपेयी के पोप समय से में भी जब मिलना आए थे, स्ट्रेटेजिक नहीं है। हाँ, और वाजपेयी के समय में भी जब पोप पोप से आए थे मिलना उन्होंने, पटल है। और वाजपेयी के समय में भी आपने बताया जब पोप आए थे उन्होंने बोला कि भारत को हमको कैथोलिक देश बनाना है, बोला था उन्होंने ओपनली। तो हाँ ये हाँ हाँ बोला था। वही पोजीशन पे आए, बुला रहे हैं, अब क्या बोलेंगे वो आके कि भारत को हाँ, करना है? तो ये कह रहे हैं आप भारत वो की, यही बोलेंगे कि हाँ, वही बोलेंगे कि हमको भारत का इवेंजलाइजेशन करना है, क्योंकि तो इवेंजलाइजेशन को सेक्रेड पवित्र काम मानते हैं। तो ये हिंदू धर्म को कंफ्यूज कर रहे हैं, मोदी जी हिंदू समाज को कंफ्यूज कर रहे हैं, और संघ के लोगों को दोगलापन सिखा रहे हैं, दोहरापन, कि ऐसे बोलो करो कुछ और। ये बड़ी चिंता की बात है। फिर आप मुझे बताइए, फिर सोनिया गांधी में मोदी जी में क्या फर्क है फिर? नहीं, बहुत फर्क है सोनिया गांधी और मोदी जी में, बहुत फर्क है। हिंदू, मैंने कहा ना, मैच्योर सोसाइटी है। सोनिया गांधी हमारी शत्रु है, मोदी जी हमको इरिटेट कर रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। हमारे ही आदमी, मोदी जी को हम पकड़ सकते हैं, मोदी जी की हम निंदा कर सकते हैं, सोनिया गांधी को हम दूसरा मानते हैं, अदरनेस से देखते हैं। सोनिया गांधी और मोदी में बहुत फर्क है। सोनिया गांधी तो निश्चित रूप से शत्रु है, मोदी जी हमारे अपने होकर शत्रु का काम कर रहे हैं। इससे गुस्सा आ रहा, कष्ट तो गुस्सा आ ज्यादा, रहा बस। कष्ट अपनों से हाँ ज्यादा होता है, दूसरों से कम होता है। हाँ क्षोभ हो रहा है ना, कि ये क्या कर रहे हो, अरे हम तो तुमको कुछ और मानते थे, ये क्या कर रहे हो। ये हो रहा है, सोनिया गांधी से नहीं होगा। अरे ये तो है ही है उनकी एजेंट, सोनिया गांधी को कहेंगे वो तो है ही पोप की एजेंट। लेकिन मोदी पोप के एजेंट दिखे तो कष्ट होता है, सोनिया गांधी पोप की एजेंट दिखे तो तिरस्कार होता है। अरे ये तो ऐसे ही है, मोदी का हम तिरस्कार नहीं कर सकते, लेकिन मोदी से कष्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच रामेश्वर जी फॉर दिस क्लैरिफाइंग दिस इम्पोर्टेंट डाउट, और आपने टॉपिक चूज किया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और दर्शकों को भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बट ये बात याद रखिए, सतोलॉजी इज ए इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म, हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग अफिलिएट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट द साधु परंपरा ऑफ भारत। हम उनको टोटली अलाइन करते हैं, चाहे कोई भी परंपरा हो, भारत की जो नैतिक परंपरा हो, चाहे शंकराचार्य की हो, मध्वाचार्य की हो, रामानुजाचार्य की हो, वल्लभाचार्य की हो,
कोई भी परंपरा हो उसमें हम लोग जरूर जुड़ते हैं, नाथ जी हो, नाथ परंपरा हो, लेकिन हम लोग बाकी किसी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग नहीं करते। हमारी लॉयल्टी है वेदों पे, पुराणों पे, महाभारत पे, रामायण पे, शास्त्रों पे, दार्शनिक पे, दर्शन पे। दर्शन पे काफी अपोजिंग व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, मेरी हमारी लॉयल्टी उन पे सब में परी है, रही ना। और भक्ति तो सबसे सर्वोपरि है, भगवान स्वयं बोलते हैं। तो कीप लिसनिंग, ज्वाइनिंग, और रामेश्वर जी का अनेक बार साधुवाद। हमारे चैनल पे सबसे बड़े दार्शनिक वही है, और हमारे मेरे आपका प्रिय मित्र नीलेशोक जी, दोनों। सो थैंक यू, एंड आप सबको हम लोग फिर मिलेंगे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।